अजब प्रेम की गजब कहानी सुल्तानगंज चलती ट्रेन के शौचालय रूप में शादीशुदा लड़की से युवक ने रचाई शादी सुल्तानगंज प्रखंड के वीर कुर्द के उदाडी गांव के रहने वाले हैं युवक और युवती कहते हैं प्यार जब प्रवान चढ़ता है तो कोई भी सही गलत का पता नहीं चलता वहीं वीर कुर्द पंचायत के एक युवक ने शादीशुदा युवती के साथ शादी रचाने का मामला सामने आया है पूर्व से शादी कर उसे ठुकराकर प्रेमी आयुष कुमार के साथ चलती ट्रेन के शौचालय रूम के समीप अपनी शादी रचाकर जीने मरने का वादा किया बताया गया कि लड़की का दो महीने पूर्व शादी किरणपुर गांव के युवक से हुआ था विवाहिता ससुराल से फरार होकर अपने प्रेमी आशुक कुमार के साथ चलती ट्रेन के शौचालय रूम के समीप अपनी शादी रचा ली जिसका सोशल मीडिया पर खूब फोटो वायरल हो रहा है वहीं आशोक कुमार ने बताया कि गांव के युवती अनु कुमारी से कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों शादी की तैयारी कर लिया था लेकिन युवती के परिजन को जब प्रेम प्रसंग दोनों के बीच पता चला तो युवती को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया इस दौरान अप्रैल माह में युवती का परिजन किरणपुर गांव के एक युवक से जबरन शादी करा दी बताया गया कि शादी के बाद अन्नू अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया बुधवार को मौका मिलते ही युवक के साथ घर से फरार हो गया। दोनों सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचकर बेंगलुरु के ट्रेन पकड़कर रवाना हो गया ट्रेन सुल्तानगंज स्टेशन से खुलते ही शादी करने के युवती दबाव बनाने लगी युवक ने ट्रेन के शौचालय रूम के समीप युवती का मांग भर शादी के रस्म को पूरा कर लिया प्रेमी और प्रेमिका के अनोखी शादी का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से बाहर होने लगी है तरह तरह के चर्चा हो रही है कोई प्रेम का मिसाल बता रहा है तो कोई विवाहिता प्रेमिका को अपने पति से गद्दारी करने के लिए दोषी भी ठहरा रहा है लड़की सावित्री पूजन का बहाना बनाकर अपने ससुराल से फरार हुई विवाहिता अपने प्रेमी पति के साथ वट सावित्री का व्रत रखेंगे